इसका मतलब क्या है, रशिया और जापान का, सॉरी, जो प्रॉब्लम है वो फिनिश होने का बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब नहीं है, चांसेस नहीं है उसके, और प्रॉब्लम वहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज हो गई। ये था हमारा सेकंड टॉपिक, आई होप आपको चीज रशिया और जापान का जो वॉर था वो प्रॉब्लम भी मतलब अच्छे तरीके समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं मारियोपोल के बारे में। मारियोपोल यूक्रेन का एक सिटी है, और क्यों रशिया के लिए इतना ज्यादा मैटर करता है, क्यों रशिया इसके पीछे पीछे पड़ा हुआ है और रशिया लगातार इसके ऊपर अटैक क्यों करवा रहा है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। अगर आप इस फोटो को देख रहे हैं, दिस इज द फोटो ऑफ मारियोपोल, ठीक है। मारियोपोल आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक टाइप का बंजर जमीन बन चुका है, इतना ज्यादा वॉर की सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मारियोपोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक चीज हम समझ गए कि मारियोपोल राइट नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटिंग ग्राउंड बन चुका है। देखिए एक चीज समझिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जिस टाइम रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया है। 2014 के अंदर इससे पहले भी रशिया ने यूक्रेन का जो नीचे वाला पार्ट है, ये क्रीमिया वाला पार्ट था, उसके ऊपर अटैक कर दिया था। नाउ क्रीमिया के पास में देयर इज अ प्रिजन कॉल्ड डोनेस्क और लुहांस्क, आपको याद होगा डोनेस्क और लुहांस्क, लुहांस्क ऊपर है और डोनेस्क नीचे है। अब अगर डोनेस्क नीचे है ना, तो देखिए क्रीमिया यहां पर प्रेजेंट है और क्रीमिया के जस्ट ऊपर यहां पर डोनेस्क प्रेजेंट है। तो क्रीमिया के साथ साथ में रशिया ने उस टाइम ये भी कोशिश की थी कि डोनेस्क को भी अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया जाए, बट उस टाइम जो यूक्रेन की जो मिलिट्री थी ना, उन्होंने इस चीज को अलाउ नहीं किया था और रशिया को अपने अंदर घुसने नहीं दिया था। मतलब रशिया सिर्फ यूक्रेन मतलब जो क्रीमिया वाला पार्ट था वहीं पर जाके रह गई थी, उसके आगे यहां पर इंक्रीज नहीं हो पाई। तो जस्ट सी दीज इमेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ये आप जानते हैं क्रीमिया है, क्रीमिया के अगर आप ऊपर जाकर राइट साइड में जाएंगे, यानी कि ईस्टर्न साइड में जाएंगे, तो देयर इज अ सिटी कॉल्ड मारियोपोल, और यही मारियोपोल जो है अभी राइट नाउ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहां पर ये वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब अगर आप इस वाली फोटो को देखेंगे तो देखें मारियोपोल के ऊपर लगातार एडवांसेस हो रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम रशिया, ठीक है। सेकंड चीज, मारियोपोल के ऊपर एडवांसेस हो रहे हैं राइट फ्रॉम ऊपर, यानी कि जो डोनेस्क रीजन है वहां से भी हो रहा है। तो उस टाइम 2014 के अंदर जब क्रीमिया के ऊपर अटैक हुआ था, तो रशिया ने यह भी कोशिश की थी कि इस पर्टिकुलर रूट के थ्रू डोनेस्क वाला पार्ट को अपने कंट्रोल के अंदर लिया जाए, यानी कि मारियोपोल को अपने कंट्रोल के अंदर वो उस टाइम से ही लेना चाहते थे, बट एक्चुअली यूक्रेन की फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम में कि उन्होंने इस चीज को अलाउ नहीं किया, उस चीज को अंदर नहीं घुसने दिया। क्वेश्चन कम्स कि मारियोपोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ज्योग्राफिकली देखते हैं। ज्योग्राफिकली मारियोपोल जो टाइप का लैंड ब्रिज बनाता है बिटवीन एक तरफ का क्रीमिया, सेकंड तरह का डॉनबास रीजन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक तरफ देखिए दिस इज क्रीमिया और दिस इज यहां पर हमारा डॉनबास रीजन। हम जानते हैं कि क्रीमिया के अंदर पूरी तरीके से रशियन प्रेजेंस है, और आप डॉनबास रीजन को आप जानते हैं डॉनबास रीजन के क्या है, जहां पर रशियन बैक्ड फोर्सेस रहते हैं, राइट, मतलब कुछ दिनों पहले तक रहते थे। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो प्लेस है ना, दिस प्लेस दैट इज कॉल्ड मारियोपोल, मतलब एक टाइप का ब्रिज है जो कि क्रीमिया को और इसको जोड़ सकता है। मतलब किसी तरीके से अगर रशिया के कंट्रोल में मारियोपोल आ जाए, तो इससे क्रीमिया और ये वाला पार्ट जो है डायरेक्टली जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट थिंग्स, ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, अगर आप सी ऑफ अजोव को देखेंगे, तो वो डोनेस्क लुहांस्क और क्रीमिया वाले पार्ट दोनों के बीच के अंदर प्रेजेंट है। अगेन वन सेकंड ट्राई टू सी द मैप। यहां पर देखिए दिस इज क्रीमिया, दिस इज यहां पर ये वाला जो डोनेस्क वाला पार्ट है, और बीच में अगर आप ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, दिस इज सी ऑफ अजोव। अगेन सी ऑफ अजोव वो वाला पार्ट है जहां पर रशिया अपने कंट्रोल को इंक्रीज करना चाहता है, एक्सटेंड करना चाहता है। दैट इज वाई अगेन अगर क्रीमिया ऑलरेडी रशिया के कंट्रोल के अंदर है, किसी तरीके से अगर ये वाला पार्ट इसके अंदर कंट्रोल के अंदर आ जाए, तो ऑटोमेटिकली इन सारे रीजन के अंदर जो हेजेमनी है वो रशिया के यहां पर बन जाएगी और रशिया का यहां पर पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड चीज आप ये समझ गया। थर्ड चीज देखिए, 2014 के अंदर जब रशिया ने अटैक किया था क्रीमिया के ऊपर, उस टाइम भी उन्होंने कोशिश की थी, अराउंड 100 किलोमीटर पास पहुंच भी गए थे इसके मारियोपोल के, बट ऑब्वियसली इसके अंदर एंटर नहीं कर पाए थे, बिकॉज उस टाइम जो यूक्रेन की फोर्सेस थे उन्होंने इसको एंटर करने नहीं दिया था। उन्होंने एक टाइप का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था, एंड दैट इज वाई वो अंदर नहीं घुस पाए थे। 2014 में जस्ट उसके बाद क्या हुआ था, जो उस टाइम के यूक्रेन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे पेट्रो पोरोशेंको, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मारियोपोल उस रीजन का रीजनल कैपिटल है, बिकॉज मारियोपोल इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था उस टाइम में कि उसने रशियन फोर्सेस को अंदर नहीं घुसने दिया था। दैट इज वाई मारियोपोल को यहां पर एक टाइप का कमेमोरेशन देने के लिए उन्होंने इस चीज को रीजनल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। सेकंड चीज, 2016 के अंदर मारियोपोल को सिटी ऑफ सॉलिडैरिटी डिक्लेयर कर दिया गया बाय यूनाइटेड नेशन का हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए मारियोपोल को क्या किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बना दिया कि आसपास के जितने भी लोग जो कि रेफ्यूजी लोग हैं, वो लोग सिंपली आके इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह सकते हैं, और यहां पर आके वो सिंपली मतलब उनका बेसिकली वेलकम करना स्टार्ट कर दिया। सो रशिया के अगेंस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस की तरह यहां पर इमर्ज कर दिया इस पर्टिकुलर प्लेस को, यानी को मारियोपोल को। नेक्स्ट चीज, अब अगर आप मारियोपोल को कोई भी कंट्री अगर कैप्चर कर लेती है, तो उसको सिर्फ लैंड नहीं बट मैरीटाइम का एडवांटेज भी मिल जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं कि खेरसन नाम के जो शहर है वो ऑलरेडी फॉल हो चुका है, खेरसन जा चुका है, रशिया ने ऑलरेडी ब्लैक सी के आसपास में अपना कंट्रोल और ज्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। अब अगर मारियोपोल भी इसके अंदर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका पावर इंक्रीज। देखिए दिस इज क्रीमिया, क्रीमिया ऑलरेडी रशिया के अंदर है, दिस इज खेरसन, खेरसन इसके अंदर है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मारियोपोल, अगर मारियोपोल इसके अंदर आ गया, तो सोचिए पहली बात तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो ये पूरे का पूरा कोस्टल रीजन है, इस कोस्टल रीजन के ऊपर रशिया कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया, मतलब मारियोपोल को उन्होंने अपने अंदर कर लिया, तो ऑटोमेटिकली इस चीज के ऊपर कंट्रोल उनका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई मारियोपोल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, और स्पेशली उन्होंने जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया है, उसके बाद वाला पार्ट जो है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज रशिया, रशिया चाहता है यहां पर कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी दोनों के अंदर अपने कंट्रोल को इंक्रीज करें। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए हम जानते हैं कि रशिया ने इस पार्ट के ऊपर यहां पर कंट्रोल किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जितना भी कोस्टलाइन आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा कोस्टलाइन इसके अंदर आता है। नेक्स्ट इज,
ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक ये ऑटोमेटिकली रशिया के अंदर आता है, राइट। यानी कि ब्लैक सी का जो मेजोरिटी वाला पार्ट है वो ऑलरेडी रशिया के कंट्रोल के अंदर है। नेक्स्ट हम जानते हैं खारसन यहां पर है, तो खारसन यहां पर यानी कि ये वाला पार्ट भी रशिया के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। नो व्हाट रशिया नाउ वांट्स इट, रशिया चाहता है कि इस पार्ट को यानी कि मारियोपोल वाला जो पार्ट है इस चीज को अपने कंट्रोल के अंदर लिया जाए, ताकि टेक्निकली पूरे का पूरा सी ऑफ अजोव जो है वो रशिया के पास चला जाए और जो ब्लैक सी है उसके अंदर डायरेक्टली रास्ता खुल जाए, फर्स्ट चीज। और देखिए अगर आप ब्लैक सी को भी देखेंगे तो आप जानते हैं कि इन सारे के सारे रीजन के अंदर कहीं ना कहीं रशिया कंट्रोल करना चाहता है बट अभी तक कर नहीं पाया। सो टेक्निकली रशिया जो है पूरे के पूरे ब्लैक सी और पूरे के पूरे सी ऑफ अजोव दोनों को कंट्रोल करना चाहता है। दैट इज वाई उन्होंने आसपास की बहुत सारी डिफेंस सिटी जो है माइकोलाइव, ओडिशा, इन सब के ऊपर भी यहां पर कहीं ना कहीं एक टाइप का वॉर डिक्लेयर कर दिया है। अगर आप इस मैप को फिर से देखेंगे, एक मिनट लेट मी ट्राई टू शो यू दिस थिंग, देखिए देखिए दिस इज ओडिशा और यहीं पर यहाँ पर मारियोपोल है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मारियोपोल है, यहाँ पर ये वाला प्लेस प्रेजेंट है जो नेक्स्ट वाला माइकोलाइव यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। माइकोलाइव सो ओडिशा यहाँ पर प्रेजेंट है, माइकोलाइव यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे जो जो मारियोपोल यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या, रशिया बेसिकली इस पार्ट के अंदर अपने कंट्रोल को इंक्रीज करना चाहता है ताकि ब्लैक सी और जो सी ऑफ अजोव है दोनों के ही कंट्रोल के अंदर अपने आप को इंक्रीज किया जाए। लेकिन 2014 के अंदर जब अटैक हुआ था उस टाइम यूक्रेन ट्रूप्स ने पूरी तरीके से रेजिस्ट कर दिया था, और अच्छी चीज यह है कि अभी भी यूक्रेन के ट्रूप्स ने इसको रेजिस्ट किया हुआ है, उसको अपने अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। ईस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो हमने जैसा पीछे देखा कि सी ऑफ अजोव का जो मैक्सिमम कोस्ट लाइन है वो ऑलरेडी इसके अंदर जा चुका है, सिर्फ एक प्लेस बचा हुआ है, दैट इज मारियोपोल। इसीलिए रशिया यहाँ पर मारियोपोल के लगातार पीछे पड़ा हुआ है, और मारियोपोल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज यूक्रेन का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट जो है वो मारियोपोल के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे डिफरेंट सिटीज हैं, आपको हर एक सिटी का नाम याद नहीं करना है जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट है, उसे सिर्फ उसी का नाम याद रखना है। एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि जो मारियोपोल है अगर मारियोपोल फॉल हो जाता है ना तो रशिया के पास सारा का सारा कोस्टलाइन आ जाएगा, और कोस्टलाइन जैसे आएगा वैसे यूक्रेन का सारा का सारा मैरीटाइम ट्रेड जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नाउ 2014 में अभी से पहले जब क्रीमिया के ऊपर अटैक हुआ था उस टाइम ऑलरेडी जो यूक्रेन है जब उसने क्रीमिया को खो दिया था उस टाइम ऑटोमेटिकली इसके ब्लैक सी का 1/3 जो लाइन है मतलब वो ऑलरेडी जा चुकी है। नाउ उसके पास कर्स स्ट्रेट का जो लाइन है वो ऑलरेडी जा चुका है, इसके पास सी पोर्ट्स है वो ऑलरेडी जा चुका है। द पॉइंट इज यूक्रेन यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे घाटे में चल रही है। देखिए अब जब यहाँ पर मारियोपोल जा चुका है, बाकी शहर जा चुके हैं, तो मारियोपोल मतलब देखिए मारियोपोल एकमात्र ऐसा ट्रेडिंग पॉइंट रह गया जहां से ट्रेड कर रहे हैं। बैडनास नाम का एक ऐसा ट्रेडिंग पोर्ट है जो कि यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ये भी कुछ ऐसे ट्रेडिंग पॉइंट्स में रह गया जो कि अब ट्रेड जहां पर कर रहे हैं, बट ये बाकी जितने भी ट्रेड थे वो सब जाने के कारण क्या हुआ, इन मारियोपोल और जो बैडनास था यहां पर भी जो टोटल मिला के कार्गो वगैरह था वो सब रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। बिकॉज ऑब्वियसली देखिए एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर कार्गो आता है तभी तो दूसरे के ऊपर जाएगा ना, अगर एक के ऊपर ये सब चीजें जा चुकी हैं तो ऑब्वियसली सेकंड के पास कैसे जाएगा। इसी कारण ऑलमोस्ट $400 मिलियन का यहां पर जो मतलब नुकसान था इन पोर्ट्स के ऊपर होना स्टार्ट हो गया था, एंड दैट इज वाई प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई थी। ये प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज तब होती है जब 2018 के अंदर रशिया क्या करता है, रशिया एक टाइप का कर्स स्ट्रेट बना देता है बिटवीन रशिया और यूक्रेन के बीच में। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कर्स स्ट्रेट कहां प्रेजेंट है। देखिए आप जानते हैं ये वाला पार्ट सी ऑफ अजोव है, राइट, यहां पर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज कर्च। उसी कारण जो रशिया और जो यूक्रेन के बीच का जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड एज कर्स स्ट्रेट, जहां से कोई शिप वगैरह मतलब पार हो सकती है। तो इसी कर्स स्ट्रेट को क्या किया गया है, यहां पर रशिया ने एक टाइप का पुल बना दिया है। हम जानते हैं दिस इज क्रीमिया, क्रीमिया ऑलरेडी रशिया के अंदर है, ये भी रशिया के अंदर है, इसलिए रशिया टू रशिया उन्होंने क्या किया, एक टाइप का पुल बना दिया। अगर आप इस वाली फोटो को देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए दिस इज द लास्ट लैंड रूट, ठीक है, दिस इज द ब्रिज, एक टाइप का सी ब्रिज है जो कि रशिया ने यहाँ पर रिसेंटली बनवाया। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, देखिए आप इस बोर्ड को अगर देखेंगे तो क्या आपको ये बहुत ही लार्ज बोर्ड दिख रही है, नो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल बोर्ड। इसका मतलब समझिए कोई भी बोर्ड, देखिए सिर्फ इतना ही एरिया यहां पर दिया गया है इस बोर्ड से निकलने के लिए। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर साइज और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइज वाला ही जो बोर्ड है वो यहां से निकल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ 30 मीटर्स मतलब 35 मीटर्स, मतलब कोई भी बोट अब अगर कर्व स्ट्रेट से निकलना भी चाहे तो वही निकल सकती है जो कि मैक्सिमम 35 मीटर्स के आसपास में है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी शिप जो कि इससे बड़ी है और जो यूक्रेन की तरफ जाना भी चाहती है वो जा नहीं पाती है बिकॉज यहां पर उसके लिए वहां प्लेसेस ही प्रेजेंट नहीं है। सेकंड चीज, वहां पर जो रशियन अथॉरिटीज है वो यूक्रेन के साथ इतना सारा मतलब वो प्रॉब्लम कॉज करती है कि अगर यूक्रेनियन शिप्स को आ जाए तो उसको निकलने के लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ता है, उसके कारण बहुत सारा लॉस वगैरह होना स्टार्ट हो गया है। देखिए मारियोपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस यूक्रेन के लिए इसलिए है बिकॉज यूक्रेन का ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ जो मेटल एक्सपोर्ट होता है स्पेशली आयरन वाला वो सारा का सारा मारियोपोल के थ्रू होता है। सो अगर मारियोपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया ना तो उनका कहीं ना कहीं जो आयरन और स्टील का जो इंडस्ट्री है पूरी तरीके से हाथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट चीज, जितना भी ग्रेन का एक्सपोर्ट है उसका 5% जो है ऑलमोस्ट मारियोपोल से होता है, ठीक है, उसके कारण भी यहाँ पर प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी, यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी यहाँ पर आ सकती है। इसके अलावा मारियोपोल के अंदर हमारे मतलब जो यूरोप है उसके 2 सबसे लार्जेस्ट आयरन और स्टील प्लांट्स हैं, बिकॉज देखिए इन दोनों को लिंक कीजिए, जो फेरस मेटल एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा यहीं पर होता है इसलिए सबसे ज्यादा आयरन और स्टील प्लांट्स यहीं पर प्रेजेंट है। फर्स्ट का नाम है एजोवस्टाल और सेकंड नाम का नाम है एलाइक। देखिए एजोवस्टाल जो है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, सिर्फ एक ही यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री बची हुई है एलाइक, और अगर ये भी यहाँ पर अगर मारियोपोल गया तो एलाइक इंडस्ट्री भी यहाँ पर चली जाएगी। अगर किसी तरीके से मारियोपोल के ऊपर रशिया का कंट्रोल हो गया तो ऑटोमेटिकली रशिया का जो मतलब जो यूक्रेन का जो मेन यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री है वही खत्म हो जाएगा, दैट इज वाई उस चीज को आगे परस्यू नहीं कर पाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म, एक टर्म है इसका नाम है नोवोरशिया। नोवोरशिया को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इट ब्रेक्स टू न्यू रशिया। देखिए न्यू रशिया की तरफ ब्रेक होता है, ये टाइप का रशियन टर्म है।
2014 के अंदर जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, क्रीमिया का जो एनेक्सेशन किया था, उस टाइम पुतिन ने पहली बार नोवो रशिया नाम का वर्ड यूज किया था। नाउ नोवो रशिया है क्या? नोवो रशिया बेसिकली टाइप का न्यू रशिया है, जहां पर बोला जाता है कि जो पहले इससे पहले देखिए रशिया के अंदर जो किंग्स हुआ करते थे उनको जार बोलते थे, जार, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, उनको जार बोला जाता था। तो जो जार्स होते थे ना, उनके पास जो रशिया था दैट वाज मच लार्जर, जिसके अंदर अभी का राइट का जो ईस्टर्न और साउथ वाला यूक्रेन है, ओडिशा है, खार्किव है, खेरसन है, डोनेस्क, लुहांस, ये सारा का सारा पार्ट पहले रशिया के अंदर हुआ करता था एंड उसी को न्यू रशिया बोला था। देखिए एक तो यहाँ पर रशिया हो गया, रशिया के अलावा ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे सारे के सारे पार्ट को यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन है नोवो रशिया बोल रहे हैं, मतलब जो पहले जो जार के टाइम में जो रशियन एम्पायर वो हुआ करता था उस टाइम रशिया जहां तक था वो सारे के सारे रीजन को वापस अपने अंदर लाना चाहते हैं। नाउ एंड दैट इज वाई अभी इसको पुतिन ने अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन के तहत लिया हुआ है कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं तब तक मैं किसी ना किसी तरीके से इन सारे के सारे रीजन को अपने अंदर लाके रहूंगा। तो अगर मारियोपोल को इसको अपने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है तो कहीं ना कहीं रशिया का जो वो वाला ड्रीम है फिर से जार वाला रशिया, मतलब जो रशिया उसको लेकर आने का, नोवो रशिया को लेकर आने का, वो यहां पर काफी ज्यादा फिर से क्लोज आ जाएगा। ठीक है, लेट्स नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। देखिए यूक्रेन अगर आप ओवरऑल देखेंगे दिस इज काइंड ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बैटल फील्ड नहीं हो रहे हैं। हम जानते हैं कि ऊपर वाले पार्ट में हो रहा है, इधर वाले पार्ट में हो रहा है, इधर वाले पार्ट में हो रहा है, इधर पार्ट में भी बैटल फील्ड नहीं हो रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टैटिक है। तो मारियोपोल एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकता है कि अगर रशियन फोर्सेस को जीत जाती हैं तो उनके लिए एक मोरल बूस्टर की तरह काम करेगा एंड दैट इज वाई रशियन फोर्सेस मारियोपोल के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन जो पुतिन है उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो बेसिकली रशियन फोर्सेस को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इस साइड में रशिया ऑलरेडी आ चुकी है, अगर और नीचे वाले पार्ट मारियोपोल में अगर रशिया पहुंच जाती है तो ऑटोमेटिकली चारों तरफ से कीव को घेरा जा सकता है एंड दैट इज वाई यहां पर जो रशिया है वो इस पर्टिकुलर चीज को परस्यू कर रहा है। रशिया ने यहाँ पर अपने तीन ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर बोला था स्टार्टिंग में ही। फर्स्ट था कि यूक्रेन को सब्जुगेट करना है, उसको मतलब लोअर फील्ड कराना है। सेकंड चीज रशियन पावर को इंक्रीज करना है, जैसा हमने पीछे देखा जो नोवो रशिया वाला कंसेप्ट है। और थर्ड चीज जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको डिवाइड और वीक करना है। बट अगर आप ध्यान से सोचिए कि रशिया यहाँ पर वीक हुआ है, नो, यहाँ पर रशिया उल्टा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, बिकॉज यूक्रेन के जितने भी लोग थे, सिटीजन थे, प्लस यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, वो लोग इतने, मतलब उन्होंने इतने ब्रेवली इस चीज का अगेंस्ट यहाँ पर फाइट किया है दैट इट इज लिटरली कमेंडेबल। तो फर्स्ट चीज तो यहाँ पर काम नहीं किया रशिया का, जो फर्स्ट चीज जो चाहता था कि यूक्रेन सब्जुगेट हो जाए, मतलब डर करके हार मान ले, वो चीज तो हुआ नहीं। सेकंड चीज, क्या रशियन पावर इंक्रीज हुई है? नो, वंस अगेन नो। क्यों इंक्रीज नहीं हुए? सोचिए यहाँ पर डोनेस्क और लुहांस, ऑल्दो उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, बट इसके बावजूद डोनेस्क और लुहांस अभी तक पूरी तरीके से रशिया के अंदर नहीं है। नेक्स्ट चीज, आसपास का जितना जो ओडिशा वाला पार्ट मारियोपोल प्लस था, जो मारियोपोल वाला पार्ट है, उन सब के अंदर जो रशिया यहाँ पर कंट्रोल करना चाहती है उसमें अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। नेक्स्ट चीज, क्या रशिया को यहाँ पर इकोनॉमिकली फायदा हुआ? नो। क्या पॉलिटिकली फायदा हुआ? नो। क्या मिलिटरली फायदा हुआ? नो। हर तरफ से तो रशिया को फायदा हुआ नहीं, तो रशिया की पावर तो इनहांस हुई नहीं। थर्ड चीज, क्या वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर डिवाइड और वीक हो गई है? ध्यान से सोचिए, पहले नेटो कंट्री जो साथ में काम नहीं कर रही थी काफी दिनों से, सोचिए नेटो का लास्ट मिशन 2001 के अंदर आया था, दैट वाज द टाइम फ्रेम। सोचिए नेटो कंट्री फिर से साथ में आ गई, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूके यानी कि यूएसए, जो कि पहले साथ में कोई भी यहाँ पर डील साइन नहीं करते थे, इन चारों ने साथ में मिलकर यहाँ पर डील साइन करने स्टार्ट कर दिया, साथ में इन्होंने सैंक्शन वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट रशिया। तो पॉइंट इज, क्या यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज वीक हो गई या फिर कहीं ना कहीं एक हो गई है? मतलब दिक्कत ये हो गई है, जो रशिया चाहता था तीनों चीजों में कहीं ना कहीं फेल हो चुका है, रशिया के तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर फुलफिल नहीं हुए हैं और उल्टा हुआ क्या है, तीनों के ऑपोजिट वगैरह शॉर्ट हो गए हैं। ये हुआ है रशिया के साथ यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंड दैट इज वाई मारियोपोल की लगातार पीछे हुआ है, बिकॉज उसको मॉरल एक टाइप का विक्ट्री चाहिए, एक टाइप का मॉरल बूस्टर चाहिए, बिकॉज मारियोपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है यूक्रेन के लिए। अगर मारियोपोल डायरेक्टली रशिया के कंट्रोल के अंदर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली रशिया को एक बहुत बड़ा मॉरल विक्ट्री मिल जाएगी, दैट इज वाई वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो ये है हमारे आज के तीनों डिस्कशन। आई होप आपको सबसे पहले जो हमने ब्लैक बॉक्स के बारे में बात की वो आपको समझ आ गया। सेकंड, हमने जापान और रशिया का जो कंसेप्ट था उसको हमने डिटेल में समझा कि क्यों अभी तक वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी अभी तक पीस प्रोसेस साइन नहीं हुआ है। इसके अलावा हमने होकाइडो आइलैंड के बारे में बात की, जो यहाँ पर कुरील आइलैंड्स प्रेजेंट है उसके बारे में हमने बात की, दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या क्या है उसके बारे में बात की। फाइनली हमने बात की यहाँ पर कि किस तरीके से मारियोपोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मारियोपोल किस तरीके से आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मारियोपोल उनके ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड ट्रेड के लिए, मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रशिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज रशिया यहाँ पर सी ऑफ अजोव वाला पार्ट है, ब्लैक सी वाला पार्ट है, उसके अंदर अपने कोस्ट लाइन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है, और ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण मारियोपोल के पीछे पड़ा हुआ रशिया लगातार ही। ठीक है, तो ये हमारे तीनों एडिटोरियल्स, आई होप आपको तीनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। आई होप यू लाइक